enough is enough. I just don't understand your middle class mentality. इंडिया का बॉर्डर तो तुमने क्रॉस कर दिया लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं बदला. What is your problem, माया? आप है सिद्धार्थ आप. हाँ हाँ कह दो. हाँ हमेशा की तरह मैं ही प्रॉब्लम हूँ. रहने दीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और तकलीफ मुझे होगी. सच तो ये है कि मैं जानना चाहूंगा कि शादी तुमने मुझसे की या मेरे ग्रीन कार्ड से की. सच सुनना चाहते हैं? हाँ. सुनना चाहते हैं? हाँ सुनना चाहता हूँ. नहीं सुनना चाहता यार. कह तो दिया हाँ सुनना चाहता हूँ. ओह नो मम्मी डैडी, रोज के झगड़े. सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप में. आप एक टिपिकल मर्द हैं. क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना. क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना. नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना. हाय मम्मी, हाय पापा. थोड़ा सा झगड़ा कल के लिए भी बाकी रखो, पूरी लाइफ पड़ी है. राहुल खाना मैंने माइक्रोवेव में रखा है, खा लेना. यही ना, बस ड्यूटी खत्म. और पापा मिलते हैं ब्रेक के बाद. राहुल देख लिया आपने, धन्य हो आपकी परवरिश. आपका फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ अब तक? फ्रस्ट्रेशन? अरे फ्रस्ट्रेशन तो टपक रहा है आपके चेहरे से. इसी चेहरे को देख के किसी दिन आपने शादी की थी? हाँ हाँ, तब मैं पागल था, बेवकूफ था, अंधा था. लो, आप में तीन तीन खूबियां थी और मुझे एक भी नजर नहीं आई. That is not my fault. अरे आपसे शादी करने से अच्छा होता मैं अपने आप को जूते मार लेती. लागे दूं? ओफो इनफ सिद्धार्थ, आपको चाहिए क्या मुझसे? आइस बर्फ. दीदी मुझे थोड़ा सा बर्फ चाहिए था. अरे यार सचिन सेंचुरी मारने वाला है, उस पे पैसे लगाना मत. जीजा आपको क्या लगता है सेंचुरी मारेगा? चंदर जब दो समझदार आदमी आपस में लड़ रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए. ओ आप दोनों समझदार लोग हैं, अच्छा हुआ बता दिया आपने. चंदर क्या फटका मारा है मामा जी. क्लीन बोल कर दिया भांजा, क्लीन बोल. कौन, सचिन या मम्मी पापा? राहुल ओके गुड नाइट. जिंदगी में एक बार भी कभी ठीक से बात नहीं की है मुझसे. Why don't you say you're fed up of me? You are a limit, Maya. आपकी ego की कोई limit है? बर्दाश्त करिए. What do you mean, Maya? मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए. मैं चुप कराऊँ? आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते. Maya. और यहाँ पे भी. Behave yourself. Wow! ये इंडियन लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है? मुझे क्या मालूम यार, मैं तो यहाँ अब भी आया हूँ. अरे तू तो आया लेकिन ये गया. Please, please, please. How is it possible? I got my passport, I got my confirmation letters, I got my embassy papers. No. Oh God. No. Well, no. I'm sorry. We can't admit you. Please. No. Sir, आप तो कुछ. No. अरे क्या हुआ? No. मैं. No. लेकिन नहीं, मैं अरे मेरी बात तो सुनो. इंडिया से ठेंगा, ठेंगा लाइफ करियर पैसा हो गया, बैड लक तेरा हो गया. क्या है, एक लाइन तो पूरी बोल. क्या हो गया बोल पहले. मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे एडमिशन नहीं मिला. ऐशा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. क्या ठीक होगा, मेरा पूरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया. अरे सुन, अरे सुन सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन. अरे बट लीव मी अलोन, लीव मी अलोन. दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी. देखो एडमिशन नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ के लड़कों की लाइन लगा दूंगा, लाइन. हाँ अरे पढ़ने के बाद शादी करना है ना, फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे के बच्चा होगा, फिर बच्चे के बच्चे का बच्चे. 30 साल पहले प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए थे और मुश्किल से एक पैदा किया, वो भी ये. मॉम ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जरा चुप रहो. देखो तुम जरा इसे समझाना, तब तक मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ, चलो. मम्मी, ओ यू आर सो प्रीटी मैन. अच्छा सुनो, तुम भगवान पे विश्वास करती हो? हाँ. वो है ऊपर, करेक्ट? If there is a God, there will be a miracle. क्या miracle? Oh, such a pretty flower got me. It's between you and me. Okay, fine. अब तुम आँखें बंद करो. करो ना. And count. एक. See ya.
तुम जो भी हो आई लव यू आई लव यू अगर तुम लोग ऐसी सेक्स की गंदी गंदी बातें करने वाले हो ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Come on, Aisha, just cheer up now. Relax. बैठो यहाँ मेरी बात सुनो। God. तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने एक बार कह दिया मतलब तुम्हारा काम हो गया। छोड़ो। Now can I just see a smile, please? Lovely. क्या? You want one more? अभी आया। मैं तुम्हें यहाँ का गर्मा गर्म कुत्ता खिलाता हूँ। क्या? हॉट डॉग एक बार खाओगी खाती रह जाओगी। तुम यही बैठो मैं अभी लेकर आया। एक्सक्यूज मी प्लीज कॉल हिम। ओके एक्सक्यूज मी दैट गर्ल शी इज कॉलिंग यू। ओके हाय आई एम राहुल। आपने मुझे बुलाया? नहीं मैंने आपको नहीं बुलाया। लेकिन वेटर से तो कहा कि आपने मुझे बुलाया। नहीं नहीं वेटर्स को लगा कि आप वेटर्स को छोड़िए ना अगर आपको मैं हैंडसम और स्मार्ट लगा तो बुला लिया। इट्स ओके प्लीज प्लीज क्यों इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है मैं तो आपका ही हूँ। आई एम ऑल योर्स। देखिए मैंने आपको नहीं बुलाया। आई नो यही कहते कहते तो सारी इंडियन लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं और यहाँ के रिच NRI बॉयज को फंसाती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। अमेरिका हो या न्यूजीलैंड सबको यही एंट्री चाहिए। मुझे अब आपकी एग्जिट चाहिए। आई नो यही कहते कहते तो आधा अमेरिका अहमदाबाद बन गया और आधा लंदन लुधियाना और आपके आने से ये न्यूजीलैंड भी लगता है नोएडा बन जाएगा। वैसे आप पंजाबी हो? पौड़ी छोड़ी से तो लगता है कि आप एक खाते पीते घर की पंजाबन सोनी कुड़ी हो। दलेर दे कजन तो नहीं हो? देखिए आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हद से ज्यादा तो आप बढ़ रही हैं। मैं तो वही कह रही हूं कहो तो आगे आ जाऊं। यू आर टू मच। सच? Oh my God! अरे अरे दलेर की कजन सुनो सुनो। Out! क्या पानी है? पानी इतना टेस्टी कभी नहीं था। ए, what a big flirt! तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है ना, इसलिए तो शर्म से पानी पानी हो गया। चलो चलो पहले पियो। मेरी प्यास तो कब की बुझ गई। अच्छा What about you? और वैसे भी इंडिया में तो पानी का बहुत प्रॉब्लम है ना। नर्मदा प्रॉब्लम, गंगा प्रॉब्लम, कावेरी प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह। ए इंडिया के बारे में कुछ मत कहना। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जन गण मन झंडा ऊंचा रहे। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हाय राहुल, मीट माय फ्रेंड एशा। तो तुम इसे जानते हो? हाँ, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड। हम सब यहाँ के इंडियंस हैं। NRIs? NRI, नॉन रिलायबल इंजन। हाँ हाय बाय। हाय का जवाब बाय क्यों? Why? बेटा खाओ ना। थोड़ा भजिया दे ना। बस भी शिता में पन। सो ऐसा बेटी कैसा लगा हमारा न्यूजीलैंड? अच्छा लगा ना? मैंने तो यहाँ फॉरेन में आने के बाद मेरा स्टाइल ही चेंज कर दिया। रूस का सूट, फूस का शर्ट और लेविस का पेंट। पहले बोलना सीखो। क्या हुआ? रूस के शूज, FAS का शर्ट और लीवाइस का पैंट। नाम चेंज किया तो क्या हुआ? चीज तो वही है ना। चीज नहीं, चीज 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 वही चीज। एक्सक्यूज मी अंकल। हेलो पापा, कैसे हैं आप? एशा मैं ठीक हूँ बेटा। एडमिशन का क्या हुआ? एडमिशन हो गया पापा, हो जाएगा। बात कीजिए जल्दी प्लीज। पापा रोटी खाया? अरे अरे भैया प्लीज। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? मैं खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और कॉलेज भी इतना अच्छा है। मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिस कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी याद आए ना तो मेरे कमरे में जाके वो टेडी बेयर है उसे किस कर लेना। अरे हटिए ना, एक मिनट मुझे चाहिए। हेलो डोंट वरी
आपकी बेटी कमजोर नहीं है। चार दिन से बोल रहे हैं आ जाओ कल आओ आ जाओ कल आओ। What is this rubbish? कब मिलेगा मुझे एडमिशन? रिलैक्स ऐशा, एडमिशन हो जाएगा, इन प्रोसीजर्स में टाइम लगता है। क्या हो जाएगा, कितना टाइम लगाते हैं लोग, जी कर तक मैं जोर से चीखूं। तुम रो लेकिन मोबाइल की आवाज भी क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा मोबाइल बज रहा है? मेरा मोबाइल? मेरा तो ऑफ है। मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है। तो ये क्या है? क्या अजीब जगह है, कभी फूल गिरता है तो कभी मोबाइल मिलता है। हेलो हेलो, मिला मिला एडमिशन? नहीं मिला। कौन हो तुम? वही तुम्हारा फेवरेट नेम राहुल। प्लीज क्या चाहिए? देखो एडमिशन तो मिलने से रहा, इसलिए मेरी तरफ से न्यूजीलैंड में वक्त काटने के लिए एक छोटा सा फोन। मोबाइल नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मोबाइल। अरे सुनो सुनो सुनो, इस मोबाइल से आप बेबी सिटिंग के ऑर्डर्स ले सकती हैं, यहाँ के इंडियंस के लिए पापड़ बड़ी अचार के ऑर्डर्स ले सकती हैं। धूप हो तो पापड़ सुखाओ, धूप ना हो तो पापड़ बनाओ, पापड़ सुखाओ पापड़ बनाओ, कौन है सुखाओ पापड़ बनाओ। ये करते करते एक साल तो यूं कट जाएगा, और वैसे भी मैंने शादी के लिए अभी कहाँ सोचा है। Shut up! तुम्हारा मोबाइल ना मैं फेंकने वाली हूँ अभी। ठीक है, अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो वापस दे दो। कहाँ तुम? तुम्हारे आस पास। मैं तुम्हारे पास हूँ लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। ढूंढो 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 ढूंढ लो मुझे दिलेर की कजन। ऐशा ऐशा, उसकी तो आदत है मजाक करने की, और इस वक्त तो कैफे में ही होगा। कहाँ फेंकू इसका मोबाइल? ऐशा लिसन टू मी, अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मेरा पेट ऐसा खराब हो गया। क्या मजाक है? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारा मुंह ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ए तुमको ना दिया मेरा मुंह ठीक करने वाले। रिलैक्स रिलैक्स, बैठो यहां, ये सब अपने दोस्त है, दिस इज आवर ग्रुप। ठीक है तो कह दो इनसे कि हम इंडियन लड़कियां ना तुम्हारी इन प्रैंक्स और बचपने से इंप्रेस नहीं होती। शी इज राइट, वैसे मैं इस भारतीय कल्चर तुम्हें बहुत गर्व है ना अपने इस इंडियन होने पर। हाँ तो क्या रखा है तुम्हारे इस इंडियन कल्चर में? ए यहाँ बैठ के तुम्हें क्या पता इंडियन कल्चर क्या होता है? कम से कम कोई हिंदी पिक्चर देखे तो सीखो। हिंदी फिल्म उससे ज्यादा वल्गर और गंदी चीज हो ही नहीं सकती। क्या 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 कहा? हिंदी फिल्म और वल्गर? तो सेकंड में साबित कर देंगे। हाँ कैसे? तुम किसी एक हिंदी फिल्म का नाम लो, मैं उसके नाम के आगे सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दूंगा और वो पूरी की पूरी बल्गर हो जाएगी। ठीक है ठीक है। चलो चलो नाम बोलो। हाँ, बोलो 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 बोलो। हम दिल दे चुके सनम। कटिए पे। राम तेरी गंगा मैली। कटिए पे। मुझे कुछ कहना है। खटिए पे। दिल है कि मानता नहीं। खटिए पे। कभी खुशी कभी गम। खटिए पे। हम साथ साथ हैं। खटिए पे। एक मिनट एक मिनट, आ अब लौट चले। खटिए पे। दिस इज गुड मैन। वेरी गुड, वेरी गुड मैन। देखा, हंस दिया। तुम्हारा मुंह ठीक हो गया ना? यही तो मैं चाहता था। वैसे ईशा, एडमिशन मिले ना मिले, तुम्हें हमारे ग्रुप में एडमिशन मिल ही गया। फ्रेंड्स? या फ्रेंड्स, आई एम दिलीप। हाय, आई एम अतुल। हाय हाय, हम तो मिले। क्या है? खटिए पे। शाम को फोन करोगी ना मोबाइल पे? ईशा आज मूड नहीं है फ्लर्ट करने को, शायद कल होगा।